लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फेज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो सबसे पहले हमारा जो रिलेशन मैं राइट करता हूँ, इसके साथ साथ रिलेशन राइट करता हूँ और आपको यहाँ पर हम समझते हैं कि क्या रिलेशन फेज रिलेशन है। तो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा या आर साइन ओमेगा टी आप इसको राइट कर सकते हो, या इसको हम लिख सकते हैं आर साइन ओमेगा को लिख सकते हैं टू पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पर अगर हमें फेज रिलेशन चेक करना है तो सबसे पहले ये जो हमारा फर्स्ट जो वेव मैंने बनाई है, साइन वेव बनाई है, ये किसके लिए बनाई है? डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये हमारा जो है, ये जो वैल्यू हमारी है यहाँ पर इधर और इससे इधर यहाँ पर, ये वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए है? y को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो यहाँ तक की जो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने कंसीडर की हुई है, ये हमारी r है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, स्मॉल t की जगह t इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, यहाँ पर t इज इक्वल टू क्या आएगा, t इज इक्वल टू जीरो। टाइम को जीरो पुट करते हैं तो ये वैल्यू जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं टाइम को कितना कंसीडर करता हूँ, जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यू कैपिटल टी बाई फोर है, तो यहाँ पर कैपिटल टी बाई फोर अगर पुट करते हैं तो पाई बाई टू बचेगा, साइन ऑफ पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू वन होती है, वन का मीनिंग यहाँ से वाई की वैल्यू जो आएगी वो आर के इक्वल आ जाएगी। वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आर की। तो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी है आर की, वाई की जो है आर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम टी को पुट करते हैं t बाई टू, यहाँ पर t बाई टू पुट कर देते हैं तो यहाँ से बचेगा t बाई टू, पुट करने के बाद t से t कैंसिल, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल, पाई बचेगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे t की, यहाँ पर 3t बाई फोर पुट करेंगे, 3t बाई फोर, तो यहाँ पर वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू आएगी साइन की, क्योंकि 270 पर साइन जो है माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस आर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा माइनस आर। तो ऐसे हमारा वेरिएशन हो रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन, मैंने यहाँ पर जो ये वेव बनाई है ये किसके लिए बनाई है, वेलोसिटी के लिए बनाई है, ये वेलोसिटी के लिए है, और ये जो हमारी वैल्यू है दिस इज आर इंटू ओमेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है माइनस आर इंटू ओमेगा। अब देखो यहाँ पर जहाँ पर हमारा टाइम जीरो है, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो था, लेकिन वेलोसिटी की जहाँ पर टाइम जीरो है वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और उसके बाद जहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहाँ पर हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहाँ पर हमारी वेलोसिटी की नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस आर ओमेगा, और यहाँ पर जो है जब 3t बाई फोर पुट करते हैं तो हमारा जो वेलोसिटी है फिर जीरो हो गया, जबकि यहाँ पर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट था वो नेगेटिव माइनस आर था। और ऐसे ही यहाँ पर जो है जब टाइम कैपिटल टी लेंगे हम, कैपिटल टी, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया दोबारा, बट वेलोसिटी हमारी दोबारा से क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गया है, आर इंटू ओमेगा पॉजिटिव भी हो गई है। यानी कि अगर इनका ग्राफिकल वेरिएशन देखें, जहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है वहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम है, और जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। और इसके बाद फर्दर जब टाइम टी बाई टू टाइम के बाद जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है माइनस आर इंटू ओमेगा, और मैक्सिमम भी हो जाती है। यानी कि इनका जो वेरिएशन देखें, स्टार्टिंग ही देखें हम, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू जो है हमारी टी बाई फोर टाइम पर जाकर मैक्सिमम होती है, जबकि इसकी वैल्यू हमारी जीरो टाइम पर ही क्या है, जब टाइम कितना है, जीरो, तभी मैक्सिमम है। अगर एंगल की बात करें, यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा पाई बाई टू एंगल बनेगा, और यहाँ पर हमारा एंगल जो है वो जीरो, यानी कि ये तो जीरो पर ही मैक्सिमम हो गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो पाई बाई टू एंगल पर जाकर मैक्सिमम होता है। तो वेलोसिटी हमारी एक्सीलरेशन से क्या चलेगी, आगे चलेगी। नेक्स्ट हम एक्सीलरेशन के लिए अगर ग्राफ देखें, यहाँ पर ये हमारा एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ है, ये जो वैल्यू आई है हमारी ओमेगा स्क्वायर वाई वैल्यू आई है, और यहाँ पर जो वैल्यू, ये जो नेगेटिव साइड में जो वैल्यू है ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हमारी वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर देखें डिस्प्लेसमेंट जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टी बाई फोर टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पर हमारी एक्सीलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा और मैक्सिमम आएगा। यानी कि इन दोनों का अगर फेज देखें तो फेज का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, पाई
पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर देखें अगर फिर जीरो हो गई तो इसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू भी डिस्प्लेसमेंट के साथ जीरो हो गई है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3t/4 टाइम पर अगर देखें हम, डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव है, जबकि एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरह से ये वेरी करते हैं। तो ये इनका फेज रिलेशन आ गया हमारा, यानी कि वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट से आगे चल रही है पाई बाई टू एंगल, बट हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट से जो है वो पाई एंगल पीछे चल रहा है। यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो लैग्स करेगा, लैग बिहाइंड जाएगा किसके, डिस्प्लेसमेंट से। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो हमारा आया हुआ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा वहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बट जहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, देखो जीरो होगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए। तो नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि टाइम पीरियड के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालना है। देखो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन है, या एक्सेलरेशन हमारा जो होता है दिस इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी होता है, या वेलोसिटी की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें अगर हम, वेलोसिटी हमारी होती है डी अपॉन वाई, डिस्प्लेसमेंट अगर है तो डी वाई अपॉन डी टी हमारी जो है वेलोसिटी होती है। इसका मीनिंग एक्सेलरेशन जो है वो एक तरह से डबल डेरिवेटिव होता है हमारा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये हमारा डबल डेरिवेटिव होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का जो है डबल डेरिवेटिव यहाँ से आएगा। बट एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है डी स्केयर वाई अपॉन डी टी स्केयर जो आएगा यहाँ से डबल डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें पता है कितनी वैल्यू है इसके, मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर करें सिर्फ हम इसका, दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर वाई आएगा। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा स्केयर वाई के इक्वल होता है ये एक्सेलरेशन, या हम एक्सेलरेशन यहाँ से ओमेगा ने फाइंड आउट करें तो ओमेगा हमारा क्या आएगा, ओमेगा ए अपॉन वाई, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्केयर रूट करना पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 2π/T होती है, ओमेगा को हम लिखते हैं 2π/T, तो ये हमारा आ जाएगा a/y, इसका स्केयर रूट। तो यहाँ से अगर t हमें फाइंड आउट करना है तो इसका रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा y/a, इसका स्केयर रूट, और 2π यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि ये हमारा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आएगा टाइम पीरियड के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। तो मीनिंग टाइम पीरियड जो आएगा, टाइम पीरियड एक ओसिलेशन जो ये कंप्लीट करेगा, ये टाइम पीरियड जो आएगा हमारा कैपिटल टी, तो ये हमारा आएगा 2π डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ऐसे ही अगर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, किसी पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल जो है हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, रेसिप्रोकल। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी इसका उल्टा कर देंगे हम तो 1/2π हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन जो है हमारा ऊपर आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे हो जाएगा। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, हमें प्रूव करना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अगर हम सिंपल, देखो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अगर हम एक थ्रेड लेते हैं, कोई भी थ्रेड हम कंसीडर करते हैं जो कि मासलेस या वेटलेस है, इन एक्सटेंसिबल जो होती है, स्ट्रिंग हमने लिया, एक स्ट्रिंग ले ली, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के नीचे अगर हम क्या हैंग कर दें, एक जो है रिजिड बॉडी जो है कोई हैंग यहाँ पर हमने कर दिया है, तो पॉइंट मास, कोई भी पॉइंट मास यहाँ पर हैंग कर दिया जिसको हम बोलते हैं बॉब, तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई है जिसकी लेंथ हम कंसीडर करते हैं एल, इसकी लेंथ कंसीडर कर लिया हमने, कितनी कंसीडर किया इसकी लेंथ, और ऊपर से इसको हमने हैंग कर दिया एक रिजिड सपोर्ट से, तो
तो ये जो अरेंजमेंट बनी है इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो एक सिंपल पेंडुलम क्या होगा, ए सिंपल पेंडुलम इज ए पॉइंट मास। तो डेफिनेशन इसकी लिख लेते हैं, ए सिंपल पेंडुलम इज ए पॉइंट मास। एक पॉइंट मास जो है सस्पेंडेड बाई वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हमने ये कंसीडर की हुई है। फिक्स्ड रिजिडली टू ए सपोर्ट, यानी कि एक सपोर्ट से हमने इसको टाइट कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया। अब मान लो सपोज करो मैं इसको यहाँ से इसको डिस्टर्ब करता हूँ इसकी इनिशियल पोजीशन से, और इसको इसकी पोजीशन कर देते हैं चेंज बॉब की, इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं E1। मान लो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पर ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ऐसे इसकी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन किधर आएगी, इस साइड आ जाएगी इसकी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम की जो है एक्सट्रीम पोजीशन हमने ये कंसीडर कर लिया है यहाँ पर। ये हमारा जो है पॉइंट मास यहाँ पर है, पॉइंट मास। ये हमारी पोजीशन मान लो E1 होगी एक्सट्रीम पोजीशन 1, और ये हमारी होगी E2 एक्सट्रीम पोजीशन। और ये जो हमारी है ये हमारी मेन पोजीशन है जिसके लॉन्ग इसका वेट जो है वो लगता है m into g, अगर है m हम इसका मास कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि पार्टिकल जो है अपनी मेन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस हो गया है, तो ये इधर डिस्प्लेस हो गया, देखो ये x डिस्प्लेसमेंट मान लो इसकी हो गई है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है टेंशन प्रोड्यूस होगी, स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन है मान लो t। तो वेट तो हमें पता है वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है, तो टेंशन जो है हमारी इधर थी टेंशन, तो वेट हमारा नीचे की तरफ है mg। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वेट का कंपोनेंट आएगा टेंशन के बिल्कुल अपोजिट, टेंशन के बिल्कुल अपोजिट हमारा वेट का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। और एक कंपोनेंट हमारा जो इसका आएगा दूसरा कंपोनेंट इसके साथ परपेंडिकुलर, जो कि इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा, ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट में वेट को हमने रिजोल्व कर दिया, mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। ये एंगल जो है हमारा ये क्या है, यहाँ पर थीटा एंगल है। ये जो एंगल यहाँ रिप्रेजेंट किया है वर्टिकल के साथ, ये हमारा एंगल थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर बॉब को हमने डिस्प्लेस कर दिया कितने एंगल से, थीटा, लेट बॉब इज डिस्प्लेस्ड बाई एन एंगल थीटा। एंगल थीटा से अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें, जब ये किस पोजीशन पर है, एक्सट्रीम पोजीशन E1 पर है, तो कौन कौन से फोर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, वो फोर्स हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो वेरियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब एट पोजीशन E1, एक्सट्रीम पोजीशन E1 पर कौन कौन से फोर्स यहाँ पर हमारे पास लगे हुए हैं। यानी कि हमने क्या कंसीडर किया, एक सिंपल पेंडुलम लिया, ये बॉब है जिसका मास m है, वेट लगेगा नीचे की तरफ, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा E1 पोजीशन पर, तो यहाँ पर वेट कंपोनेंट्स में रिजोल्व हो जाएगा, एक हमारा mg cos थीटा आएगा, दूसरा हमारा जो आएगा mg sin थीटा, जो कि इसके साथ 90 डिग्री पर है। तो ये दो कंपोनेंट है जिसमें से ये mg sin थीटा जो है ये इसको वापस इसकी पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है, सबसे पहले केस आया वेट, वेट जो लगेगा, वेट ऑफ बॉब W इज इक्वल टू mg। ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, कैसे लगेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
एक फोर्स तो हमारे पास ये लग गया, दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर टेंशन लगा हुआ टी, टेंशन जो कि अलोंग द लेंथ होगी स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग की लेंथ के अलोंग जो है ये हमारी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है कैपिटल टी जिसको लिखा हुआ हमने। अब यहाँ पर वेट को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग W इज इक्वल टू एम जी इंटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया हमने इसको, एक कंपोनेंट हमारा जो है टेंशन के बिल्कुल अपोजिट आया हुआ है एम जी कोस थीटा, तो यहाँ पर देख सकते हैं एम जी कोस थीटा जो आएगा वो टेंशन के बिल्कुल अपोजिट लगेगा, तो एम जी कोस थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा एम जी साइन थीटा, सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारा यहाँ पर एम जी साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है हमारा, ये कंपोनेंट जो है मेन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजीशन, या इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो टुवार्ड्स द मेन पोजीशन। यानी कि ये जो एम जी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये इस पेंडुलम को एक्सट्रीम पोजीशन से वापस किसकी तरफ लाने की कोशिश करेगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो इसका मीनिंग ये जो फोर्स लगा हुआ है इस फोर्स को हम बोलेंगे क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। तो एफ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द मेन पोजीशन एंड टेंड्स टू रिस्टोर द बॉब बैक टू इट्स मेन पोजीशन। यानी कि ये कंपोनेंट जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं नेगेटिव एम जी साइन थीटा, रिस्टोर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारा जो फोर्स लगता है, अगर बॉब का मास हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, एम कंसीडर किया हुआ है, और इसके अंदर जो एक्सीलरेशन है अगर हम वो कंसीडर करें, कितना एक्सीलरेशन है, ए, यानी कि बॉब के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ए जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सीलरेशन इन द बॉब, बॉब के अंदर एक्सीलरेशन है ये, तो हमारा जो एम ए आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इस कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर एम से हमारा एम कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन जो आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। और अगर हम ये कंसीडर करें थीटा जो एंगल है दिस इज वेरी स्मॉल एंगल, थीटा क्या है, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगल अगर हम कंसीडर करते हैं थीटा को, तो साइन थीटा जो आएगा दिस इज नियरली इक्वल टू थीटा आएगा। तो यहाँ से ए को हम लिख सकते हैं माइनस जी और यहाँ पर आ जाएगा थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ डायग्राम से पुट करेंगे। देखो ये हमारी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है, ये एल है और ये थीटा है, और थीटा का जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाई रेडियस, हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं यहाँ से, तो ये एल आ जाएगा। तो एक्स अपॉन एल यहाँ से हम पुट करेंगे इसको, तो एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला आएगा दिस इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइड बाई एल, तो ये हमारा एक्सीलरेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एल हमारी कांस्टेंट वैल्यू है लेंथ की। तो एक्सीलरेशन जो आया, अब देखो ये टर्म हमारी कांस्टेंट है जी और एल, तो दिस इज़ नेगेटिव ऑफ एक्स के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और जहाँ पर भी एक्सीलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वहाँ पर हमारा जो मोशन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मेन पोजीशन से फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आया, इसका मीनिंग मोशन कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये हमने प्रूव कर दिया। हम यहाँ से राइट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन जो आया है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हैंस
motion of simple pendulum is motion of the bob of simple pendulum is simple harmonic motion. तो इसके बाद ये निकालने के बाद हमें जो है अब इसका टाइम पीरियड भी निकालना ऑसिलेशन का. तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये भी हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे. तो टाइम पीरियड जो आएगा कैपिटल टी, दिस इज इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर हमने लिया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और नीचे हमारा आएगा एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा, उसका हम मॉडुलस ले लेंगे यहाँ पर. तो टी की वैल्यू जो आएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा है एक्स, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई हुई है जी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक्सेलरेशन जो आया था एक्स अपॉन एल और साथ में क्या था जी, नेगेटिव था इसका मॉडुलस ले लिया तो पॉजिटिव वैल्यू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा. तो टाइम पीरियड जो आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा एल डिवाइड बाई जी. तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा किसके लिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा. ऐसे ही हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करना है तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होगा. तो फ्रीक्वेंसी जो आएगा दिस इज इक्वल टू जी अपॉन एल, इसका स्केयर रूट करना पड़ेगा और 1 बाई क्या आ जाएगा 2 पाई. तो ये हमारे सिंपल पेंडुलम के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी. तो यहाँ से अगर हम देखें टाइम पीरियड किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अगर देखें ऑन विच कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड डिपेंड्स, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करेगा सबसे पहले लेंथ पर, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम. देखो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ज़्यादा आएगा. दूसरा डिपेंड करेगा यहाँ पर द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. तो दो फैक्टर पर हमारा जो है ये डिपेंड करता है, एल और जी पर डिपेंड करेगा.